हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आपका टर्म वन का एग्जाम है वो बहुत अच्छा गया होगा। आज से हम शुरू करेंगे टर्म टू हिस्ट्री और आज अपन स्टार्टिंग करेंगे चैप्टर नंबर टू नेशनलिज्म इन इंडिया से। क्लास टेंथ हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है जो टर्म टू में आने वाला है। इसके बाद अपन मैथ से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वो भी करने वाले हैं। तो आज अपन देख लेते हैं इस चैप्टर के अंदर अपन क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो आज जो आप ये देख रहे हैं हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी के बारे में इस पूरे चैप्टर के अंदर जो है पढ़ने वाले हैं अपन। इसके अंदर कुछ मेजर चार पांच टॉपिक्स होंगे, उनसे रिलेटेड अपन बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से 1918 तक हुआ। तो 1914 से लेकर 1918 के बीच में जो वर्ल्ड वॉर हुआ वो भारत में नहीं हुआ, भारत से बाहर हुआ। लेकिन उसके क्या इफेक्ट अपने इंडिया के ऊपर पड़े, क्योंकि उस समय अपन जो है इंग्लैंड जो थी उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी और अपन इंग्लैंड के जो है क्या थे, इंग्लैंड उस समय इंडिया उस समय इंग्लैंड की कॉलोनी थी। तो उस कॉलोनियस पीरियड की वजह से इंडिया पर भी कुछ इफेक्ट पड़े, क्योंकि अपने इंडिया के सोल्जर्स थे वो भी वहां पे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। पॉइंट नंबर टू है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। जब 1915 में इंडिया के अंदर गांधी जी आए तो गांधी जी ने बिफोर सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट जो है अफ्रीका में अप्लाई किया और उनसे उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिले। तो उन्होंने इंडिया में आकर के 1916 में 1917 में 18 में उसके बाद आफ्टर मतलब इस कॉन्सेप्ट को वो कंटिन्यू रखते रहे। एज अ वेपन उन्होंने जो है इसको यूज किया और सत्याग्रह का मेन जो उनका वेपन हुआ करता था वो करता था नॉन वायलेंस। तो ये भी अपन इस चैप्टर में इनके सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइडिया ऑफ सत्याग्रह, एक्सप्लेनेशन भी आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह। ठीक है, आगे देखते हैं रोलेट एक्ट। ये जो कहानी है 1919 की इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि रोलेट एक्ट जो है क्या है, कैसे ये इंडिया में आया, कौन लेके आया, कैसी सिचुएशन क्रिएट हुई और रोलेट एक्ट का जलियांवाला बाग इंसिडेंट से क्या जो है रिलेशन है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट कब हुआ, क्यों हुआ, कहां हुआ, उसके बाद में जलियांवाला बाग से इफेक्टेड होकर के गांधी जी ने कैसे कैसे मूवमेंट किए, चाहे वो आपका सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट हो, चाहे आपका नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट हो, उसी के टाइम पीरियड में आपकी जो उन्होंने जो विदेशी कपड़ों की जो होली जलाई, चाहे वो हो, इनसे रिलेटेड सारे जो जितने भी मूवमेंट है वो अपन इंडिया के अंदर देखेंगे और फाइनली किस तरीके से गांधी जी और गांधी जी के बाद में जो है दूसरे और नए नए लीडर से आपके भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद हो, इन लोगों ने किस तरीके से देश के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप की और किस तरीके से हमने अंग्रेजों से भारत को आजाद कराया, ये सारी की सारी अपन स्टोरी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो कल अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और इंडिया। तो स्टूडेंट कंटिन्यू रहे, कल से अपना जो सेशन है वो कंटिन्यू रहेगा और इस हफ्ते के अंदर अपन इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं और इसके बाद अपन नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन देखेंगे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे और ये देखेंगे कि पहले कौन से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुके हैं और कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो दीजिए मुझे विदा, मिलते हैं कल फर्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।